मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉलर रुपी में एक सेटअप मिल रहा है, जो सेटअप मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। वहाँ पे एक सेटअप अंडर फॉर्मेशंस है, आइए उस सेटअप को डिस्कस करते हैं। डॉलर रुपी अभी 81.70 लेवल पे है, ये डेली चार्ट ऑफ डॉलर रुपी है। यहाँ पे हमने क्या क्या सेटअप लिया है, एक क्या क्या इंडिकेटर्स लिए हैं। एक है बोलिंजर बैंड, जो रेगुलर 20 पीरियड विद स्टैंडर्ड डेविएशन टू, एंड ये नीचे का जो है आपका, ये है आपका आरएसआई आरएसआई 14 विद लेवल्स 46। यहाँ पे आप देखोगे आपका 3rd 4th नवंबर से पहले डॉलर रुपी वाज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर, वहां से एक शार्प फॉल आया एंड ये आपका लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आ चुका था। साइड चेंज किया फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर। उसके बाद ये क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद अभी उसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका जो लोकेशन है वो आपका सेंटर बैंड के पहुंचने वाला है। ये जो रेड लाइन है इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, अभी लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से प्राइस जो है सेंटर बैंड के तरफ जा रहा है, वहीं पे। यहाँ के बाद क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ये एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है। ड्यूअल पीरियड यानी दो पीरियड, एक हायर टाइम फ्रेम होगा दूसरा लोअर टाइम फ्रेम होगा। तो यहाँ पे ये डेली है, करेंसी के लिए हम 4 आवरली ले सकते हैं एंड इक्विटी के लिए हम उसको डेली वर्सेस आवरली लेंगे। तो वहां पे क्या होगा, अभी ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लिया नहीं है, ये जब एक बार सेंटर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेगा देयर आफ्टर इट देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि डॉलर भी अगेन जो रिसेंट स्विंग लो है दैट इज 80-50 उसके तरफ ये मूव कर सकता है। आई रिपीट, अभी तक ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लिया नहीं। तो कोई ये वीडियो देख के आप शॉर्ट करने के लिए मत बैठ जाओ, ये पहले इसको पकने देना है, प्रॉपरली राइट होना है, ये जो सिस्टम है प्रॉपरली कंडीशंस फुलफिल करना है, देन एंड ओनली देन वी विल शॉर्ट द पोजीशंस। तो यहाँ पे शॉर्ट कैसे करना है, ये आपका नेक्स्ट लोअर टाइम फ्रेम जो है ये 4 आवरली है, 4 आवरली का ये प्राइस सेक्शन है। जब आपका डेली पे लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में जा रहा है लोअर टाइम फ्रेम दैट इज आपका 4 आवरली पे, ये आपका अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में प्ले अराउंड कर रहा है। तो अभी इसका सेटअप कैसे होगा, इसके सेटअप के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाना है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट कैसे बनेगा, ये जो स्विंग लोज है उस लो को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही प्राइस ऑन 4 आवरली चार्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देगा समथिंग लाइक दिस, तो उसके लो के नीचे हमारा ट्रिगर होगा। यानी सपोज ये लो है तो इसके लो के नीचे हमारा सेल इनिशिएट होगा ट्रेड, एंड अपना जो स्टॉप लॉस होगा अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा जो आपका 81.85 के आसपास होगा, एंड हमारा टारगेट होगा 81.50 के लिए। सो हमें इस टाइप का एक सेटअप चाहिए ऑन लोअर टाइम फ्रेम। इन दिस केस ये 4 आवरली है, आप चाहे तो उसको आवरली पे भी ले सकते हो। ये आवरली पे एक शॉर्ट कैंडल्स नेगेटिव रेड कैंडल्स बनाना चाहिए जो आपका ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा, देन उसके लो के नीचे हमारा शॉर्ट ट्रिगर होगा। शॉर्ट ट्रिगर होने के बाद
हमारा ये जो ट्रेड सेटअप होगा इट इज 1:2, 1:3 या 1:4 टाइप को रिस्क रिवॉर्ड वाला, प्रोबेबिलिटी वाला हमें एक ट्रेड सेटअप मिलेगा। एंड ये जो सेटअप का नाम है दैट इज ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बेंच। ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बेंच में जो हायर टाइम फ्रेम है ये यहाँ पे 4 आवरली है, एंड लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम में नीचे के लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बेंच से जाके ये सेंटर बेंच में रेजिस्टेंस लेना चाहिए। देन लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा, ये अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बेंच में रेजिस्टेंस लेके ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना चाहिए। इन सच केस ये जो सेटअप है ये सेटअप एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा, हम वहां पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इन सच ए केस हमारा जो टारगेट होगा 80.50 का टारगेट होगा, एंड स्टॉप लॉस ये जो स्विंग हाई है उसके हाई के ऊपर। इन करेंट सिनेरियो द स्विंग हाई इज अराउंड 81.85 के आसपास होगा टेंटेटिव। सो अभी हमें क्या इंतजार करना है, अभी हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है, हमें देखना है बेसिकली ऑन डेली टाइम फ्रेम क्या ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा। ये अगर सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस ले रहा है इन सच ए केस द लोअर टाइम फ्रेम, आप चाहे वो 4 आवरली चार्ट देखो या आवरली चार्ट देखो, वट एवर इज सुटेबल टू यू, लेकिन इससे ज्यादा नीचे मत जाओ। तो आवरली में भी आप देखोगे तो आपका प्राइस एक्शन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो ट्रेंड लाइन के नीचे देगा, उसके बाद उसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस अबव द स्विंग हाई, यहाँ के जो लेटेस्ट स्विंग है उसके ऊपर। एंड इसको सिंस इट इज आवरली वर्सेस डेली और 4 आवरली वर्सेस डेली, ये टारगेट इमीडिएटली नहीं भी आ सकता है, इट मे टेक 1 डे टू फ्यू डेज। तो अभी ये सेटअप बना नहीं है, ये अंडर फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन के बाद हमें इंतजार करना है जब तक ये रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ये सेटअप कब रेडी होगा, कैसे रेडी होगा, एंड अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी रेडी। उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। जब ये कंफर्म हो जाएगा देन एंड ओनली देन हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए ये पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय चैनल, एंड आल्सो लाइव एग्जांपल्स लेके काफी ट्रेड को मैंने वहां पे इनिशिएशंस दिखाया, देन फाइनल टारगेट अचीवमेंट के लिए भी हमने दिखाया है। तो आप पुराना वीडियोस में जाके उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये मेरे को जस्ट अंडर फॉर्मेशन से मैं भी इसमें वॉच कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा कंडीशन फुलफिल होगा इन सच ए केस आई विल इनिशिएट सम पोजीशंस। तो ये डिस्कस आपके नॉलेज के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सेटअप है। आपको अगर अच्छा लगे तो इस सेटअप को अपने डे टू डे प्रैक्टिस में आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने डेली वर्सेस आवरली या डेली वर्सेस 4 आवरली लिया, आप आवरली वर्सेस 15 मिनट का ले सकते हो, आप 15 मिनट वर्सेस 3 मिनट का ले सकते हो, आप 30 मिनट वर्सेस 5 मिनट का ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम वर्सेस लोअर टाइम फ्रेम में जो होगा 4 to 6 का मल्टीपल होगा। यानी सपोज आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर है और आप 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम लेते हो, 15 मिनट वर्सेस आवरली में 1:4 हो गया। वहां पे आप चाहो तो 10 मिनट का भी ले सकते हो, वहां पे 1:6 हो जाएगा। सिमिलरली 30 मिनट्स वर्सेस 5 मिनट, 5 मिनट करके 30 मिनट्स में 1:6 होता है। इन दिस वे हम हायर टाइम फ्रेम वर्सेस लोअर टाइम फ्रेम का एक पोजीशन बना सकते हैं। तो वो जैसे जैसे जो जो आपका कंफर्ट लेवल्स होगा उस हिसाब से आप इस टाइम फ्रेम को यूज करके आप अपना पोजीशन या ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते। तो ये जो सेटअप मेरे को दिखा ये एडवांस अलर्ट है, अभी तक कंफर्मेशंस आया नहीं है, हमें कंफर्मेशंस के लिए इंतजार करना है। जैसे ही कंफर्मेशंस आएगा तब जाके आप आइदर आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पे हमने प्लेनली ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप डिस्कस किया, लेकिन ये जो लोकेशन है ये रोल रिवर्सल का भी लोकेशन है। व्हाट इट मींस, इट इज बियॉन्ड
डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा नगेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करने के बाद ये काफी नीचे आ चुका था, जहाँ पे पहले हमने यहाँ पे दोबारा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हमने एक हेड एंड शोल्डर्स का डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमारा टारगेट एक टारगेट था जो ऑलरेडी स्मैश कर चुका है। तो उसके बाद हमारा ये 12 हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट था 80.90 का टारगेट था, जो बहुत पहले ही टारगेट मेट कर चुका है। ये था एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। दूसरा वाला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये जो पहले सपोर्ट था नाउ इट इज गोइंग टू मे एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, दैट बीइंग द केस सो ये जो रोल रिवर्सल है, ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये 81.80 82.00 टू बी प्रेसाइज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए। रेजिस्टेंस लेने के बाद एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस आपका ये जो एरिया जो है इट्स ए गुड सेलिंग जोन, तो यहाँ पे जैसे ही ये सेलिंग जोन में कंफर्मेशन आएगा एज पर द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप, वो आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। तो आपको कोई ये सोच सकता है कि क्या मैं नीचे सपोज 8150 में या 8160 में क्यों शॉर्ट करूँ, अगर मेरे को 8180 8190 मिल रहा है वहाँ पे शॉर्ट ना करते हुए क्यों मैं लोअर लेवल पे शॉर्ट करूँगा। तो हर एक चीज का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। जिनको एडवांस लेवल पे जाके शॉर्ट करने का प्रैक्टिस है, दे कैन शॉर्ट ऑन ऑप्टिक्स, लेकिन वहां पे जब आप शॉर्ट करोगे वो शॉर्ट जो होगा नॉट एज पर दिस सिस्टम, दैट इज ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा, वो शॉर्ट होगा based on certain other systems या anticipations। यहाँ पे हम anticipations करना नहीं चाहते हैं, हमें confirmations के बाद trade लेना है। That being the case, जैसे ही आपका ये trend line के नीचे hourly basis पे या 4 hourly basis पे closing देगा तो वो confirmations आएगा। So यहाँ पे जो system है ये सिस्टम पे कॉन्फर्मेशन बेस्ड सिस्टम है, दैट इज वाई वी विल वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन, एंड व्हाइल वेटिंग फॉर द कॉन्फर्मेशन वी मे शॉर्ट द इंस्ट्रूमेंट एट मच लोअर प्राइसेस। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 81.73 है, सो हम इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट 81.73 वी मे सेल एट 81.50 और 81.40। तो यहाँ पे हमें शायद 20-25-30 पैसे का एक अगेंस्ट में जाके कम लेवल पे हमें शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है आफ्टर लूजिंग 20-30 पैसा, लेकिन वहाँ पे कॉन्फर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर हम ब्लाइंडली शॉर्ट करेंगे, सपोज 81.72 पे शॉर्ट करते हैं या 81.90 पे शॉर्ट करते हैं, वो हमारा एक डिफरेंट सिस्टम बेस्ड सेलिंग होगा, नॉट बेस्ड ऑन दिस ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। दैट इज व्हाई आवर कंसर्न विल बी ऑन वेटिंग फॉर द प्राइस टू गिव कॉन्फर्मेशंस। अगर कोई अपने हिसाब से रिस्क के साथ वो हायर लेवल पे से 8180 8190 पे शॉर्ट करना चाहते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, दे कैन डू, दैट इज नॉट द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सिस्टम। हियर ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सिस्टम डिस्कस करना चाहते हैं, जहां पे आपका क्या होगा, कॉन्फर्मेशन बेस्ड होगा। आई रिपीट, कॉन्फर्मेशन बेस्ड, और कॉन्फर्मेशन के लिए हमें जो एंट्री लेवल है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो हर एक सिस्टम का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्फर्मेशन के लिए इंतजार करने के बाद शॉर्ट करेंगे तो 100% हमें टारगेट मिलेगा। नो, इन
market, whether it is a currency market or commodity market or equity market, nothing is 100% guaranteed. इस दुनिया में 100% गारंटी दो ही शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट या कमोडिटी मार्केट में दो ही टाइप के पीपल गारंटी दे सकते हैं। एक है भगवान, आके बोलेगा तू यहाँ पे आई गारंटी, इसके ऊपर जाएगा नहीं या इसके नीचे जाएगा नहीं, ये एक हो गया भगवान। दूसरा वाला हो गया लायर, जो झूठ बोलते हैं। तो अदर देन दैट, हमारे जैसे रेगुलर एंड नॉर्मल ट्रेडर कभी भी गारंटी के साथ कुछ बोल नहीं सकते। ऑलवेज देयर इज रिस्क रिवार्ड बेस्ड। सो ये रिस्क रिवार्ड बेसिस पे ही हमें ट्रेड करना है। कोई एग्रेसिव फ्रंट फुट में सिक्स मारने का कोशिश करेंगे, कोई इंतजार करेगा बॉल को लास्ट मोमेंट तक देखेगा, उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद वो शायद उसको छक्का भी मार सकता है, फोर भी मार सकता है, या डॉट खेल भी सकता है, या एक दो के लिए प्लेस भी कर सकते हैं। सो ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के पर्सन कैसे इस किस हिसाब से वो अपना रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। सो होप मैंने यहाँ पे काफी क्वेरीज को डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज ड्यूअल पीरियड बोलिंजरमेंट, दूसरा वाला हमने डिस्कस किया कि हम कन्फर्मेशंस के बाद ही एंट्री मारेंगे, तीसरा वाला है कि अगर कोई ये रेजिस्टेंस लेवल देख के 81.80, 81.90 में शॉर्ट मारेगा तो वो दूसरा सिस्टम का शॉर्टिंग पोजीशंस होगा, नॉट एज पर द बोलिंजर बैंड। एज पर द बोलिंजर बैंड हमें कन्फर्मेशंस का जरूरत पड़ेगा। सो ये सेटअप हमें आने वाले दो एक दिन में मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे ही हमें एक के इंडिकेशंस मिलेगा तो हम यहाँ पे कुछ एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ ये जो मेरा प्रयास है आपको अपने सामने वेल इन एडवांस आपको मैं ये पोजीशंस दिखा रहा हूँ कि ऐसा एक बन सकता है। उसके बाद जैसे ही इनिशिएट होगा, ट्रिगर होगा, फिर मैं आपके सामने इसका कंटिन्यूएशन लेके आऊंगा एंड फाइनली आइदर ये टारगेट देगा या ये स्टॉप लॉस करवाएगा, तभी मैं आपके सामने उसका थर्ड वॉल्यूम थर्ड सीरीज लेके आऊंगा कि ये टारगेट दिया है या स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है। व्हाट एवर मे बी द आउटकम, अकॉर्डिंगली वी विल कम बैक सो दैट आपको ये इसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का, ये टेक्निक का एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको ये सेटअप अच्छा लगे तो आप रेगुलर बेसिस में डमी ट्रेड में प्रैक्टिस करके उसके बाद एक्चुअल पोजीशन में आप जाइए। सडनली इमीडिएटली आप ट्रेडिंग पोजीशंस में इनिशिएट मत कीजिए, आप पहले उसको डमी प्रैक्टिस कीजिए कुछ मे बी 50 से 100 डिफरेंट ओकेशंस में। आप उसको डमी पोजीशंस लेके देखिए, जैसे आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, देन एंड ओनली देन आप आगे बढ़िए। सो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।